नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथिली फैशन में। आज हम आपको बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा अस्तर है, ये मेन कपड़ा है, ये हमने ब्लाउज की लंबाई 14 इंच लिए हैं। तैयारी 13.5 इंच रखना है, एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। ब्लाउज की चौड़ाई 34 इंच है, चौथाई भाग हमने 8.5 इंच ले लिए हैं। हार मूल की गोलाई हमने 6 इंच ले लिए हैं। शोल्डर पौने 6 इंच है। अब जो गले का कटिंग करेंगे तो हम अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। गले की गहराई 10.5 इंच है, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे। यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगा लेनी है। अब इसकी हम सीधी लकीर खींच लेंगे। ये हमने इस तरीके से सीधी लकीर खींच ली है। अब हमें गले का शेप दे देना है। ये हमने इस तरीके से गले का शेप दे दिए। अब दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से दोनों साइड से निशान लगा लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे तो इस तरीके से रख लेंगे हम मेन कपड़ा। ये हमारी सीधी साइड है, इसके ऊपर हमें अस्तर रख लेना है। इस तरीके से रखते हुए हम इस गले के निशानों पे सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से गले पे सिलाई कर लिए हैं। ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब किनारे से कट कर लेंगे। ये हमने किनारे से भी कट कर लिए। अब इसको पलट लेंगे। इस तरीके से पलटते हुए हमें किनारे पे सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से गले पे सिलाई करते हुए चारों साइड से सिलाई कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें प्लेट का निशान लगाना है, तो लगभग 4 साढ़े 4 इंच पे प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब सिलाई कर लेनी है। ये हमने इस तरीके से प्लेट डाल लिए हैं। अब किनारे से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये हमने इस तरीके से प्लेट डाल लिए हैं, और नीचे हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें डिजाइन बनाने के लिए कपड़े ले लेना है। तो ये हमने कपड़े ले लिए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच है, तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई ले लिए हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आप 5 पट्टी का या फिर 6 पट्टी का फूल बना सकते हैं। ये हमने इस तरीके से गोलाई में सिलाई कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे दोनों को एक साथ। इस तरीके से गोलाई में हमें कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। इसी तरीके से 6 पट्टी हम बना लेंगे। तो ये हमने 6 पट्टी बना लिए हैं इस तरीके से। अब इसके हमें डिजाइन बना लेना है। तो ये हमने सुई ले लिए हैं, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे।
तो इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है सारे पट्टी पे। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है, इसी तरीके से छह पट्टी हम सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से छह पट्टी को सिलाई कर लिए हैं। अब हमें फूल का शेप देते हुए इस तरीके से खींच लेना है धागे को। अब हम इसमें गांठ लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से फूल बना लिए हैं। ठीक इसी साइज के हमें तीन फूल बनाना है, तो एक इससे बड़ा बनाना है, वो 3 इंच की पट्टी ले लेंगे और दो हम 2.5-2.5 इंच की ले लेंगे। अब हमें दूसरा डिजाइन बनाना है, उसके लिए कपड़े ले लेना है। ये हमने दूसरे डिजाइन बनाने के लिए कपड़े ले लिए हैं, 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे फोल्ड, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है। ठीक दूसरा भी इसी तरीके से बना लेना है। ये हमने इस तरीके से डिजाइन बना लें, ठीक इसी तरीके से सारे डिजाइन बना लेंगे। ये हमने इस तरीके से सारे डिजाइन बना लिए, अब इसे सेट कर लेंगे। हम इस तरीके से सेट कर लेंगे 1/2 इंच गले से हटाते हुए। अब हम इस डिजाइन को सेट कर लेंगे यहाँ से। ये हमने इस तरीके से डिजाइन सेट कर लिए हैं। अब दूसरे साइड भी हमें सेट कर लेना है। ये हमारा 6 इंच है, यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। इधर की साइड भी ये वाली हमें डिजाइन यहाँ से सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से दोनों साइड डिजाइन सेट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर पाइपिंग सेट कर लेना है। तो ये हमने कपड़े ले लिए हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से पाइपिंग सेट कर ली है। अब दूसरे साइड भी इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से पाइपिंग सेट कर ली है, ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें लगा लेना है पाइपिंग। ये हमने इस तरीके से पाइपिंग सेट कर ली है दोनों साइड। अब इसके ऊपर हमें लैस सेट कर लेना है। तो ये हमारा लैस है, इसको सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से लैस सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें फूल सेट कर लेना है। ये हमने फूल बना लिए हैं, इसको इस तरीके से रखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, इसको इस तरीके से रखते हुए हमें हाथों से सेट कर लेना है। और इसके ऊपर हमें मोती सेट कर लेना है, या फिर आप बटन भी यूज कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से फूल सेट कर लिया, इसके ऊपर 100 बटन डालनी है। आप चाहे तो बटन भी बना के डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा डिजाइन बन चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।